और जो करूँ मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया। और ये नहीं कि मैंने कहकर हम ये तो कहकर हम करके मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के एल्बम बना लिया अपना। विजन आर्ट में भी साथ में आर्ट में मेरी एग्जीबिशन हुई पेंटिंग की, म्यूजिक किया, हर फाइव स्टार होटल में शेरटन फर फ्रॉम कैंटर वैली सब जगह एज लीड कीबोर्ड प्लेयर। उसके बाद शायरी की फुल फाइव स्टार इशारा। कहने का मकसद बस है कि जो काम चाहा उसको टाइम दिया। पेंटिंग की कैलीग्राफी तो 15-16 घंटे एक दोस्त के घर पर आया पेंटिंग करने की बात करने यार प्लीज पेंटिंग करते हैं कराई चलिए ना सर मैंने भाई साहब को ऐसी बना कर दीवार पर डाल देता हूँ चलो चले सही वो मुझे ऊँच आते हैं ये डायरेक्टर ने हमारे लिए पहले पेंटिंग रखी और ये पेंटिंग 50,000 की। आप अपनी पेंटिंग को कंपेयर करें कि आपकी पेंटिंग कहाँ बैठती है कितने परसेंट आप नंबर दिए वो तो पता नहीं जाएगा भैया साहब आठ काम तो मकसद कह रहे हैं कि जो भी काम आप करें आप चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर शुरू हो गया पीएचडी करने का डॉक्टर बने बहुत हार्ड है पीएचडी करना चाहते हैं वो समझने को कुछ करना कोई आपकी गलत नहीं है। और मैंने एक ऐसे दिए आप ध्यान में शायद अगर मैं कहूँ कि आप जीवन दिए मैं बैठा हूँ सोच तो पता ही करना चाहिए। मैंने YouTube देख के अपना पीएचडी किया पूरा उनको देखा उन्हें समझा वो बात जो ड्राइवर साहब जो मुझे सुबह से 5 मिनट बुला देता था वो मेरे 5 मिनट लगे लेकिन वो मैंने और तक उसका तो समझ लिया शायद। तो मकसद तो है कि आप और दूसरी बात ये कि इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत मैं तो एक बात कि इज्जत मोहब्बत वक्त एहसास ये सारे बदले के सौदे अगर आप चाहते हैं कोई आपको मोहब्बत करे तो आप उसे मोहब्बत दीजिए। क्या बात है आप सभी को अपनी जिद करें तो आप उसकी जिद दीजिए। और वो जो दौर था शकील साहब के जमाने में जब आया था लेक्चर थे मेट लेक्चर था ये तो वर्ष सीनियर थे।